जितना इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट चार्ट को समझना एक ट्रेडर के लिए होता है अनफॉर्चुनेटली में से ज़्यादातर लोग चार्ट को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पाते जिस वजह से हम गलत ट्रेड ले, ले लेते हैं और लॉस हो जाता है बट नॉट नाउ बिकॉज चार्ट को एनालाइज़ करने का तरीका जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो इतना ईजी है इतना ईजी है कि आई एम श्योर आप वीडियो देखने के बाद दस में से दस लोग चार्ट को एनालाइज करना सीख ही जाएंगे सो so, प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना नाव चार्ट को अच्छी तरह एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको कैंडल्स के क्लोजिंग को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज क्लोजिंग ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताता है वीकनेस को बताता है और साथ साथ रिवर्सल को भी इंडिकेट करता है सो so, सोनाओ अब आपको बहुत ध्यान से इन कैंडल्स के क्लोज पे फोकस करना है कैंडल अगर अपने हाई पे या हाई के आसपास क्लोज देता है तो इट मीन्स कि बायर स्ट्रांग है सिमिलरली अगर कैंडल अपने लोएस्ट पॉइंट पे या लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग देता है देन इट मीन्स कि सेलर स्ट्रांग है इसी तरह अगर कैंडल मिड पॉइंट पे क्लोजिंग देता है तो इट मीन्स कि बायर स्ट्रांग है बट उन्हें कन्विक्सन शो करना होगा और स्ट्रांग कैंडल बनाकर सेम इसी तरह आपको रेड कैंडल में भी देखना है सो so ये था एक सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में बट अब हमें ये समझना है कि कंप्लीट चार्ट को किस तरह आप एनालाइज कर सकते हो सो कंप्लीट चार्ट को एनालाइज करने के लिए आपको एक कैंडल के हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को समझना होगा लाइक कैंडल्स क्लोजिंग किस तरह दे रहा है कैंडल्स के बीच ओवरलैप है या नहीं है कैंडल का लो किस पॉइंट को रिटेस्ट कर रहा है एंड सो ऑन और जब आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तभी आप कंप्लीट चार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाओगे सो so आगे बैठते हैं और हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझते हैं बस आप एंड तक देखना सो so सोनाओ इस स्टेप में आपको चार्ट यह देखना है कि करेंट कैंडल की बॉडी और पिछले कैंडल की बीच ओवरलैप है या नहीं है फॉर एग्जाम्पल करेंट कैंडल की बॉडी और पिछले कैंडल की बॉडी ओवरलैप कर रही है दैट इज आपस में मेल खा रही है देन इट मीनस की ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है बट अगर करंट कैंडल और प्रीवियस कैंडल से ओवरलैप नहीं कर रहा है या फिर बहुत कम ओवरलैप कर रहा है देन इट मीन्स कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है और आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का सोचना चाहिए नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको पिछले कैंडल के हाई या लो और करंट कैंडल के क्लोजिंग के बीच रिलेशन देखना है फॉर एग्जाम्पल करेंट कैंडल पिछले कैंडल की हाई अब क्लोजिंग दे रहा है इट मीन्स अब ट्रेंड स्ट्रांग है एट द सेम टाइम अगर ये कैंडल करंट कैंडल के हाई के एब क्लोजिंग देने के साथ साथ अपने हाई के पास क्लोज कर रहा है देन इट मींस कि अब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोनों ही केसेस में कैंडल प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है एट द सेम टाइम कैंडल अपने हाई के आसपास क्लोज कर रही है सेम प्रिंसिपल आपको डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई करना है दैट इज करेंट कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है देन इट मीन्स की डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है और एट द सेम टाइम अगर कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देने के साथ साथ अपने लो के आसपास क्लोजिंग दे रहा है देन इट मीन्स कि डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है सो नाउ नेक्स्ट टाइम आप जब भी चार्ट को एनालाइज करो आपको इन सभी इन्फॉर्मेशन को क्लोजली वॉच करना है ऑल्सो अगर आप किसी ट्रेड में हो देन आपको इन प्रिंसिपल को यूज करके ट्रेड में बने रहना है और मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है उनको आपको प्ले करना है और इस तरह से आप अपने ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे सो so, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सी इन द नेक्स्ट वीडियो